क्या आप दोस्तों सिलेबस के अनुसार अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं? यूपीटेट परीक्षा में अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं चलेंगे या फिर भटकेंगे तो अन्य स्टूडेंट की तरह आप भी मार्क में पीछे रह जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पर 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। 500 प्रश्नों में आपका पूरा भारतीय संविधान कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। जो लिखा है इस वीडियो में वो सच होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। आग लगाने वाली वीडियो, यानी आप देखकर इन चीज़ों को नोट करके यहाँ पर जाएगा। यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। हम चाहते हैं सरकारी विद्यालय में एक सरकारी आपकी सीट, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो यूपीटेट में 4-4, 5-5 दिन नहीं होता है। 1-1 लाख लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो इस तरह की आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप, यदि आप सिलेबस से कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। यूपीटेट में मैथ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। 1000 प्रश्न जब तक आपके एग्जाम है तब तक कराऊंगा। रोज़ के रोज़ मैथ के प्रश्न जो है आपके, 1000 प्रश्न बहुत चुनिंदा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम हैं तैयार, क्या आप हैं तैयार? रोजाना टेस्ट चल रहा है, यहाँ पर टेस्ट के लिए भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दूसरा टेस्ट सीरीज है आपकी, नीचे पहली लिंक जो है मैं दे दूंगा। 500 प्रश्नों की सीरीज 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। हर क्वेश्चन को मैं टाइप भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं सर, आपको लिखना है, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी आपके दिमाग में बैठती हैं। 50 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, नीचे लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। खैर उसकी चिंता मत करिएगा, जहां से वीडियो आपने खोली है वहीं से देखिएगा। लिखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व वो होते हैं जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में इतना ही डिफरेंस है कि मौलिक अधिकार होते हैं 6, पहले थे 7। मौलिक अधिकार नागरिक के लिए होते हैं, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, नीति निदेशक तत्व को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो कौन से भाग में है? तो भाग 4 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का के अनुच्छेद में है। 54 नंबर है कि ग्राम पंचायत का संगठन 351 में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मूल अधिकार अलग होता है, मौलिक कर्तव्य अलग होता है। मूल अधिकार मैंने बताया था कि भैया यूएसए से लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो भाग 4 में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, बहुत चीज़ें जोड़ी गई थी जैसे धर्मनिरपेक्ष इत्यादि। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10। पहले कितनी थी भैया? मूल पूछा है ना, यहाँ पर बोला है मूल। मूल संविधान में 10 थी, लेकिन आपसे कह दें कि मौलिक कर्तव्य जो मूल कर्तव्य हैं तो उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आप कहोगे सर 11। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं, इसी तरीके से यहाँ पर वर्तमान में एक और बढ़ गया है मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है? रूस से, ठीक है, याद रखिएगा। हर चीज़ वीडियो को अगर जल्दी है तो रोक रोक के लिख लेना, रोक रोक के, है ना। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का यानी 51 का में है। देखिएगा इस वीडियो में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पूरा कवर कर लेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो से पूरा क्वेश्चन आपके यूपीटेट में फंस जाए, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद भी, यहाँ संसद भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ से हर चीज़ क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है, सभी जानते हैं। भारत की तीनों सेनाओं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? आप कहोगे सर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ओके। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख बोला है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रधानमंत्री लोग मारते हैं, राष्ट्रपति होगा संविधान की रक्षा करने वाला। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आयोग चुनाव कौन कराता है? तो आप कहोगे निर्वाचन आयोग। चुनाव राष्ट्रपति का कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? एक महाभियोग प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसके तहत जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है अगर वो संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है। महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आप कहोगे सर अमेरिका से ली गई है। किससे? यूएसए से ली गई है, ठीक है, याद हो गया, दिमाग में हर चीज़ बैठ जानी चाहिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? आपको के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देगा तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा तो उपराष्ट्रपति से नहीं, जबकि उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करेगा वो राष्ट्रपति से, मैं खैर आगे बता दूंगा।
भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध जो हुए थे, वो थे नीलम जो है संजीव रेड्डी। महान्यायवादी दोस्तों होता है अटॉर्नी जनरल, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी भैया राष्ट्रपति करते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जबकि नेक्स्ट है 71, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगता है किसी स्टेट में, अगर किसी स्टेट का जो है शासन विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति ही करता है। प्रथम फीमेल प्रतिभा पाटिल। 73 है महालेखा परीक्षक यानी कैग बोलते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी मैंने ऊपर बताया था कि महान्यायवादी जिनको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पर है महालेखा परीक्षक यानी कैग, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल स्टार यानी ट्रिपल स्टार यानी फोर्थ स्टार लगा लो, यहाँ पर कुछ भी आप लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे 352 से 360। क्यों? क्योंकि 352 से 360 मतलब जो है 352 में आती है, 356 में आती है, 360 में आती है। कैसे? कि तीन शक्तियां होती हैं, एक होती है राष्ट्रीय आपात जो आती है 352 में, एक होती है राष्ट्रपति शासन जो आती है 356 में, एक होती है वित्तीय आपात वो आती है 360 में। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ये जो है आकस्मिक शक्तियां होती हैं जो तुरंत राष्ट्रपति देखता है कि अगर राष्ट्रीय यानी पूरे देश पे खतरा है तो फिर लगा देता है राष्ट्रीय आपात, अगर कोई राज्य पर जो है प्रॉब्लम आ रही है तो राष्ट्रपति शासन, या फिर अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वित्तीय आपात। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, 352 56 60, इसको याद करने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि 352 से 360 तक। अब आप देख रहे हो कि सभी में चार चार का डिफरेंस है, तो पहला याद कर लो 352, बाद बाकी चार का बढ़ाते जाओ, ठीक है, याद हो गया। दोस्तों संसद किससे मिलकर बनती है, आप कहोगे सर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद तीन से बनती है, इसमें तीन अगर एक भी कमी होगी तो फिर संसद का निर्माण नहीं होगा। तो राज्यसभा होना जरूरी है, लोकसभा और राष्ट्रपति होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति पे आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को शपथ मैंने कहा था कि राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है सर, आप कहोगे। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र किसको सौंपा जाता है, जो उपराष्ट्रपति जब भैया छोड़ेगा तो फिर किसको देगा, राष्ट्रपति को। शपथ दोनों आपस में नहीं लेते हैं, जबकि यहाँ पर त्याग पत्र आपस में कर लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश से, जबकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति शपथ लेता है राष्ट्रपति से। लेकिन अगर त्याग पत्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति भी त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर मैंने बताया था कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और संवैधानिक में आपको अंतर समझना चाहिए, ये चीज़ आपको गलत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है, भाई प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि प्रधानमंत्री की भी शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। जैसे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए या फिर अन्य पहले के हुए या बाद के होंगे तो फिर देख लीजिएगा। तो सभी जो है उनका काम क्या होता है, वो शपथ किससे लेते हैं, राष्ट्रपति से लेते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया है, योजना आयोग अब नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है। आप जानते हो कि नीति आयोग अभी से आया है, कब से आया है, लागू हुआ है 2015 से, 1 जनवरी 2015 से हुआ है। इसका नाम पहले हुआ करता था योजना आयोग, और योजना आयोग के अध्ययन जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी है कि योजना आयोग का पुराना नाम क्या था, वो नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। और भैया ये कब जो है आया है नीति आयोग, तो आप कहोगे सर ये गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग का जो प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री, अब नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा यानी अध्यक्ष। पीएम का सर्वाधिक जो है कार्यकाल किसका रहा है अभी तक, आप कहोगे जेएल नेहरू का, ठीक है। सबसे कम दिनों तक रहने वाले पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिनों तक। कौन से पीएम कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, तो आप कहोगे सर चौधरी चरण सिंह जो है लोकसभा में उपस्थित अभी तक नहीं हुए थे। अब आते हैं, देखिएगा प्रधानमंत्री तक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं संसद पर, संसद का सर्वोच्च सदन। मैंने कहा संसद किससे बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, खैर मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिएगा राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो आप कहोगे सर 12। ये 12 होते हैं विज्ञान कला क्षेत्र में, ठीक है ना, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो 12 यहाँ पर हो गए।
लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो आप कहोगे सर 12। लेकिन यहाँ पर अगर एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 12 भी ना हो विकल्प में और 2 भी ना हो विकल्प में, आपसे अगर कह दे कि दोनों सदनों में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 + 2 = 14। इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ये अलग अलग बताए हैं, लेकिन अगर दोनों सदनों की बात करें तो इन दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा आपका 14। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, अधिकतम की बात बोल रहा है कि भाई कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो 250 यानी 250 हो सकते हैं। लेकिन अगर पूछते भैया वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आप कहोगे 5 कम यानी 245 अभी हैं, अधिकतम हो कितने सकते हैं 250। इससे ज़्यादा होने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष चाहिए है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को 100% गलत करवाने के लिए पूछा जाता है 30 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का होता है 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे 6 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा। राज्यसभा मैंने बताया कि भाई राष्ट्रपति संसद बताया कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से बनता है, लेकिन राज्यसभा के बारे में मैंने अभी बताया था कि स्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में, स्टार लगा लेना इसको, डबल स्टार, कितने पद छोड़ते हैं, तो देखिएगा आपसे कह दे कि भाई 2/3 राज्यसभा के सदस्य कितने साल बाद छोड़ते हैं पद, तो आप कहोगे सर 2। अगर आपसे कह दे कि भाई हर 2 साल में कितने सदस्य पद छोड़ते हैं राज्यसभा के, आप कहोगे 2/3, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको इधर से उधर पूछ सकता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश, कितनी है भाई 31 है, यानी 31 सीटें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर बात करें लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप जो है कहोगे कि सदस्य जो है लोकसभा में 552, जबकि वहाँ पर राज्यसभा में 250 हो सकती थी, और राज्यसभा में है कितनी अभी 245। लोकसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे 552 हो सकती है, जबकि लोकसभा में कितने सदस्य अभी हैं वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहोगे सर 545 हैं, ठीक है 545। यहाँ पर देखिएगा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता तो है, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2018 में पूछा गया है कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उनकी कार्रवाई कौन स्टार्ट करता है, वो भैया उनकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। ये अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, यानी संयुक्त अधिवेशन जो होता है ये होता है अनुच्छेद 108 में। अब संयुक्त अधिवेशन क्या है, देखिए संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन भाई अलग अलग अधिवेशन हुआ करता था, तो क्या हुआ कि भाई जब कोई बिल पारित होता है तो राज्यसभा में मतभेद हो गए और लोकसभा में मतभेद हो गए कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते, तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, तो फिर क्या किया कि दोनों को बिल को पारित करने, उस बिल को पारित करने के लिए जिसमें जो है सहमति नहीं बन रही है, तो उन बिल को पारित करने के लिए इस बेंच को और इस बेंच को एक ही में मिला के यहाँ पर जो है कार्रवाई स्टार्ट कर दी, यहाँ के भी मेंबर और यहाँ के भी मेंबर इस हॉल में आ गए, राष्ट्रपति भी आ गया, लोकसभा अध्यक्ष भी आ गया, और जो राज्यसभा के पदेन जो भी अधिकारी उपराष्ट्रपति वगैरह वो सभी भी यहाँ पर आ गए, तो इसको बोल दिए संयुक्त अधिवेशन। उस संयुक्त अधिवेशन में जब एक रूम में एक हॉल में आ गए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केवल काम है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, तो यहाँ पर बुलाना ऑप्शन में आ जाएगा, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भैया संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहोगे सर लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति बुलाता है, अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, आप कहोगे 108 में। तो यूपीटेट में बताइएगा संयुक्त अधिवेशन से क्वेश्चन आया था, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे तो उनको पता होगा कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है बहुत तेज़ी से टेस्ट सीरीज, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद रखते हैं हम कुछ लाइक की, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, विलोम शब्द जरूर देखिएगा। यहाँ पर इस चैनल में हमने ऐसे हर चीज़ को बहुत तेज़ी से फास्ट रिवीजन करवा के रखा है, हम नहीं चाहते आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंदे मातरम।